तारीफ दिखाकर जा रहे हैं आज जिस वाइस चांसलर को कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया, उस वाइस चांसलर के कार्यकाल में दलित बच्चों की आत्महत्या हुई। अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। आइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं। वो यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ। रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनसे ये नहीं पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, तुमने किसको वोट दिया। डू नॉट सर प्ले योर पॉलिटिक्स विद मी। लेट मी गिव यू एन आंसर टुडे दैट आई हैव पेशेंटली वेटेड फॉर डेज टू गिव। कि HRD मंत्रालय मात्र उनके पत्रों का जवाब देती हैं जो इस सरकार के मंत्री हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं, 1/5/2014 से लेकर 23/2/2016 तक सामान्य नागरिकों के 66,230 ग्रीवियंसेस मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुए, और इस काल अवधि में मैंने लगभग 61,892 समस्याओं का समाधान किया। जिनके समस्याओं का समाधान किया उनसे यह नहीं पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, तुमने किसको वोट दिया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आज इस सदन में डू नॉट सर प्ले योर पॉलिटिक्स विद मी। लेट मी गिव यू एन आंसर टुडे दैट आई हैव पेशेंटली वेटेड फॉर डेज टू गिव। मुझसे कहा गया कि इस अधिकार के साथ आप जवाब देती हैं। मेरे पास पत्र, प्लीज हंसिए मत। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूँ एडमिशन। पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ। रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। अब सुनिए मेरा जवाब। हनुमंत राव जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि जिस वाइस चांसलर को कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया, उस वाइस चांसलर मैं आई जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद से मैं बदलाव करूं। ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं होता। इस सभागार में मुझ पर आरोप लगाया गया कि किस अधिकार से मैं चिट्ठी लिखती हूं। उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये प्लीज प्लीज दस्तावेज दिखाती हूं। प्लीज 5/6/2011 को मैं बात करूं। अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। नारायण स्वामी जी का पत्र है 5/6/2011 का। मेरे नेता नहीं थे सरकार में, अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे थे। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं। नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए। बार बार पत्र लिखा प्रदीप भट्टाचार्य जी ने, बार बार पत्र लिखा कि विश्व भारती जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, उसमें कांग्रेस की सरकार ने एक महिला के ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को VC बनाया। न्याय की अपेक्षा इन लोगों ने
नरेंद्र मोदी की सरकार से की। इसमें प्लीज टेक योर सीट नाउ। आज मैं कहना चाहती हूँ मैडम, डोंट आंसर। जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तब मैंने कहा ओनली मिनिस्टर कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूँ कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूँ मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकती। और मैं आक्रोशित आज महोदय इसलिए हूँ क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है। What transpires later is something many people have question mark. अरे ये झूठा है, वो झूठा है। तारिक अनवर साहब थे, उन्होंने कहा पहले यूनिवर्सिटी को तो अपनी तहकीकात करने दो, फिर पुलिस को आने दो। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विभाग का ये ब्यौरा है मैडम स्पीकर, 11/2/2016 का, जिसमें 35 सुरक्षा कर्मी, 3 महिला गार्ड सिग्नेचर्स के साथ अपना बयान देते हैं। कहते हैं कि 16:45 सुरक्षा टीम मौकाए वारदात पर पहुंची, 35 और 3 38 पीपल, दे हैव गिवन अ रिटन रिस्पॉन्स, दे आर अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी नॉट द पुलिस। एंड दे से भीड़ बढ़ने लगी, छात्र उमर अनिर्बान वहीं खड़े रहे, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, हम क्या मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी। गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। 2-3 और लोग थे, मुंह पर कपड़ा लगाए। Serving by quoting from Pakistani authors writing pertaining to education of Indian students to an impressionable mind of a standard 6 student. This committee was enraged when the name suggested an intention and action, Allah's army in Pakistan, Hindutva hell in Hindustan. Madam Speaker, I have not shied away from answering any question in this house or the other. My plea is this: across universities, when Vice Chancellor said we want to raise our flag proudly, they were condemned. Mr. Gandhi went to Uttar Pradesh and said, "Sare ke sare VCRSS wale." Shayad unko pata nahi hai ki aaj bhi is sarkar mein सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में से 20 ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया, 16 वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसी सदन में शायद आज सोनिया जी नहीं है, उनको नहीं बोल सकती, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। प्रश्न ये उठता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना,
जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो। आज मैंने देखा, इसे पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे एकेडमिकली, बहुत अच्छा भाषण, मैं भी सराहना करती हूँ। सोनिया जी, राहुल जी, दे वर लाइक कंपेल्ड, दे शुड, वी ऑल शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। शुक हिज हैंड, आई ओनली विश्ड डॉक्टर बोस वॉज हियर टू गिव देम अ बुक कॉल्ड डेड रेकनिंग बाय शर्मिला बोस। Who is Sharmila Bose? Dr. Bose's sister, a renowned historian. And in the Dead Reckoning, she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया।